नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम SSC महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित भाग एक अर्थात बीज गणित के प्रकरण एक दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण के प्रश्न संग्रह 1.2 को हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्न संग्रह में हम युगपत समीकरण हल करने की आलेख विधि का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने निरसन विधि से युगपत समीकरण हल करना सीखा था। प्रश्न यह उठता है कि अब यह आलेख किस प्रकार समीकरण का हल करने में सहायक है। दोस्तों, आपने कक्षा 9वीं में समीकरण का आलेख एक रेखा के रूप में खींचना सीखा था। दो समीकरणों की दो रेखाएं परस्पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं उसके x तथा y निर्देशांक दोनों ही समीकरणों का समाधान करते हैं। जैसे यह उदाहरण ले लीजिए, यहाँ दो समीकरणों के निर्देशांक बिंदु दिए गए हैं। दोनों ही रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, वही बिंदु दोनों समीकरणों का सामान्य हल होता है, अर्थात दोनों ही समीकरणों की संतुष्टि करता है। अब अगर यह पूछा जाए कि क्या किसी युग्म समीकरण के एक से अधिक हल हो सकते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हम निम्न उदाहरणों के आधार पर दे सकते हैं। पहले उदाहरण में युग्म समीकरण दिए गए हैं x प्लस वाई इजिकल टू 3 तथा x माइनस वाई इजिकल टू 1। x प्लस वाई बराबर 3 तथा x ऋण वाई बराबर 1, जिनके आलेख दो भिन्न रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, जिसका एक्स वाई निर्देशांक 2 और 1 है। यह मान दोनों ही समीकरणों का समाधान करता है, अर्थात दोनों समीकरणों का एकमेव हल है। यहाँ प्रतिच्छेदन बिंदु एक्स का निर्देशांक 2 तथा वाई का निर्देशांक 1 है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि दो भिन्न बिंदुओं की रेखाएं यदि एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें तो उनके मात्र एक सामान्य हल होते हैं। उदाहरण क्रमांक 2, यहाँ आपको समीकरण दिए गए हैं 2x-y इजिकल टू -1 तथा 2x-y इजिकल टू -4। इन दो समीकरणों के आलेख दो समांतर रेखाएं हैं जो आपस में कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती, इसलिए इनका कोई भी सामान्य हल नहीं होता। यहाँ समीकरणों का कोई भी हल नहीं निकलता। अब देखते हैं उदाहरण क्रमांक 3, यहाँ युग्म समीकरण दिया है x-y इजिकल टू -2 तथा 2x-2y इजिकल टू -4। इन दोनों समीकरणों का आलेख एक ही रेखा बनती है, अर्थात दोनों रेखाएं एक पर एक बनती हैं। यहाँ प्रत्येक बिंदु प्रतिच्छेदन बिंदु है। प्रत्येक बिंदु दोनों ही समीकरणों का हल है, अर्थात x तथा y के अनगिनत हल हैं जो कि दोनों ही समीकरणों की पुष्टि करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि आलेख बनाने के मान कौन-कौन से हैं। दोस्तों, यहाँ जो पहला हमारा स्टेप है, दिए गए समीकरण के लिए कम से कम चार क्रमिक युग्म बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे अपनी मर्जी से x तथा y के मान रखकर
एक्स और वाई के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं और कम से कम चार क्रमिक बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और दूसरा स्टेप है हमारा, आलेख कागज पर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष निश्चित कर बिंदु प्रस्थापित कीजिए। हमको एक्स और वाई अक्ष बना करके उस पे जो क्रमिक बिंदु हम निकालेंगे हल करके समीकरण को उनको स्थापित करना है। फिर तीसरा हमारा जो स्टेप है, सभी बिंदु रेखा में हैं या नहीं, इसके लिए हमको एक सीधी रेखा वहाँ पर तीनों बिंदुओं को जो जोड़ती हो वो उनको जोड़ते हुए रेखा खींचनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कृति नंबर एक से। बच्चों ये कृति हमको यहाँ पर जो दी गई है करने के लिए, इसमें दिया गया है x माइनस वाई बराबर एक, 5x ऋण 3y बराबर एक। यह युगपत समीकरण आलेख विधि से हल करने के लिए नीचे दी गई तालिका पूर्ण कर निर्देशांक प्राप्त कीजिए। सब बच्चों सबसे पहले हम ये जो कृति दी गई है करने के लिए टेबल भरने के लिए दिया गया है, हम ये टेबल भरेंगे तब हमको x और y के निर्देशांक प्राप्त होंगे और उसके बेस पे ही हम लोग जो ग्राफ है अपना वो बनाएंगे और उसके बाद नीचे के दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें अपने आप मिल जाएंगे। इस सवाल हमें कुछ इस प्रकार से हल करना है। सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से टेबल बना लेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 0, और यहाँ पे वाई का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू 3 दिया हुआ है, वाई का वैल्यू ऋण 3 दिया हुआ है। तो हम एक एक करके सभी वैल्यूज रख के दूसरे का निर्देशांक यानी दूसरा जो चरांक है उसका निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया, एक्स बराबर 0। तो एक्स बराबर 0 लेने पर इस समीकरण में हम लोग x बराबर 0 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 1। देयरफॉर x बराबर 0 रखने पे क्या हो जाएगा, 0 ऋण y बराबर 1। अब क्या बचा, ऋण y बराबर 1, और हमको क्या चाहिए, y चाहिए, तो क्या हो जाएगा, y बराबर ऋण 1 की जब ऋण है यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा 1 के पास, तो हमको y का निर्देशांक यहाँ पे क्या मिला, ऋण 1। तो टेबल में लिख लीजिए यहाँ पे ऋण 1। अभी दूसरा क्या है, y के कोष्टक में दिया हमको 0, तो y बराबर 0 लेने पे क्या हो जाएगा, y बराबर 0 लेने पर समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 1। हमको y बराबर 0 लेना है तो x माइनस 0 बराबर 1, इसलिए x बराबर कितना बचा, 1। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया है यहाँ पे, 1। इसको भी टेबल में लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर x बराबर 1। फिर है x बराबर 3 लेने पर, यहाँ पे लिखते हैं x बराबर 3 लेने पर समीकरण क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। एक्स बराबर 3 ले लेते हैं, 3 ऋण वाई बराबर 1, इसलिए ऋण वाई बराबर 1। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस 3 हो गया, तो ऋण वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 2। अब माइनस वाई बराबर माइनस 2 है, हमको खाली वाई चाहिए, तो माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, वाई बराबर 2। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं वाई बराबर 2। अब यहाँ पे फोर्थ वन क्या है, y बराबर ऑलरेडी हम लोग को -3 दिया हुआ है, तो फिर लिख लेते हैं y बराबर -3 लेने पर, -3 लेना है हम लोगों को। फिर हम लोग का समीकरण फिर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 1, x एज इट इज माइनस, अब y बराबर -3 लेना है तो फिर ब्रैकेट में -3 लिखेंगे इज इक्वल टू 1। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 ऋण 3, 1 ऋण 3 हो गया, तो एक्स बराबर क्या मिला हमको, ऋण 2। तो ये वैल्यू हो गया एक्स का, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया -2। तो इस प्रकार से हमारा एक समीकरण का निर्देशांक मिल गया है। लिख लेते हैं, सबसे पहले एक्स का लिखेंगे फिर वाई का लिखेंगे, 0 ऋण 1, यहाँ क्या मिला है, 1 0,
यहाँ क्या मिला है 3 2, यहाँ क्या मिला है ऋण 2 ऋण 3। इस प्रकार की चीजें यहाँ पर जगह कम है। बच्चों को हल कर समीकरण हल करने के बाद हमें इस प्रकार से टेबल मिलेगा। एक्स और वाई के निर्देशांक हमें मिल जाएंगे और इन दोनों समीकरणों का आलेख हमें इस ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहले समीकरण x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ यहाँ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा होता है x अक्ष, यहाँ पे हम लिखेंगे x और ये x डैश। उसी प्रकार ये y है, नीचे हम क्या लिखेंगे देखिए y डैश। सबसे पहले आपको पैमाना लिखना है, पैमाना लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। पैमाना मैंने क्या लिया है, दोनों अक्षों पर यानी x और y दोनों अक्षों पर मैंने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ले ली है। तो चलिए शुरू करते हैं प्लॉट करना। समीकरण में हमको यहाँ पे जो पहला निर्देशांक दिया गया है वो है 0 और 1, 0 और -1 दिया गया है। यहाँ पे देखिए 0 और -1 यानी 0 निर्देशांक कहाँ पे होगा, x अक्ष पे होगा। 0 मतलब कि वो कहीं नहीं जा रहा है। और y निर्देशांक पे कितना है, -1। -1 यानी किस तरफ होगा, y अक्ष पर नीचे की तरफ। अब देखिए क्योंकि ये 0 और -1 है तो हम लोग का 0 मतलब x पे कहीं नहीं गया, यहीं पे है, यहीं पे रह गया। लेकिन 1 यानी 1 कदम यहाँ पे चला है नीचे की तरफ, तो फिर हमारा बिंदु कहाँ पे आएगा, इसी y अक्ष पे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, y अक्ष पर नीचे की तरफ। इसको हम लोग राउंड कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं उसका निर्देशांक, क्या लिखेंगे 0 और -1। अब देखिए हमारा दूसरा निर्देशांक क्या है, 1 और 0। दूसरा देखिए क्या है, 1 और 0 यानी 1 किसके लिए है, x के लिए, 0 y के लिए। यानी 1 यहाँ पे जाएगा और y पर कहीं नहीं जाने वाला, y x पे चलने वाला ही नहीं है। x अक्ष पे कितना जाएगा, 1 जाएगा। तो हमारा दूसरा बिंदु कहाँ पे आएगा, x 1 आया पॉजिटिव साइड और y पे गया ही नहीं, मतलब 1 पे आएगा। ये हमारा हो गया कितना, 1 और 0, ये 1 और 0 हो जाएगा। अब तीसरा हमारा क्या बिंदु है यहाँ पर, 3 2। तीसरा निर्देशांक क्या है, 3 2। 3 कहाँ, x पे, y पे कितना, 2। 3 और 2 दोनों पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव मतलब कौन चतुर्थांश में होगा, ऑब्वियसली प्रथम चतुर्थांश में होगा यहाँ पर। तो लिख लेते हैं यहाँ पर कितना है, 3 और 2, 1 2 3, 1 कदम 2 कदम और 3, 3 कदम आ गए यहाँ पे कितना, x अक्ष पे। अभी y पे जाना हमको कितना जाना है, 2 कदम, 1 2। तो हमारा बिंदु कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। इसको लिख लेंगे हम लोग 3 और 2। फिर चौथा निर्देशांक क्या है, -2 -3। यहाँ पे देखिए -2 और -3 यानी x पे हमको -2 कदम जाना है, y पे हमको -3 कदम जाना है। ये y पे जाना है हमको -3 कदम। तो यहाँ पे देखिए कितना जाएगा, दोनों नेगेटिव है तो किस तरफ आने वाला है, ये तृतीय चतुर्थांश में आएगा, इस तरफ आएगा। तो हमारा कितना था, -2 -3, -2 1 2, 2 कदम यहाँ पे आ गए। अभी -3 कहाँ जाना है, y अक्ष पे जाना है। तो 1 2 3, ये हमारा बिंदु हो गया, ये हो जाएगा -2 और -3। अब बच्चों इन चारों बिंदुओं को हमको स्केल की सहायता से मिला लेना है। अब इस प्रकार से मैं स्केल लेती हूँ और इन तीनों को क्या करते हैं, चारों बिंदुओं को हमको मिला लेना है। वो एक सीधी रेखा में होना चाहिए इस प्रकार से। देखिए ये हमारा समीकरण नंबर 1 का आलेख बन गया है। अब यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण एक्स माइनस वाई बराबर 1। अब इसी प्रकार हमको दूसरे का भी प्लॉट बनाना है। यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 2 और 3, 2 कदम x पे, 3 कदम y पे, 2 कदम का x पे, 3 कदम y पे। चलिए 2 कदम x पे, 1
दो, तीन कदम कहाँ जाना है? एक दो तीन, एक दो तीन, वाई पे तीन कदम। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। क्या लिखेंगे? दो और तीन ये पे लिख देंगे। फिर आगे क्या है? पांच और आठ, दोनों पॉजिटिव है तो कहाँ होगा? प्रथम चतुर्थांश में होगा। पांच और आठ, एक्स पे पांच कदम, वाई पे आठ कदम। पांच और आठ, एक दो तीन चार पांच, पांच कदम आ गए एक्स पे। वाई पे जाना है कितना? आठ कदम। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे बिंदु लगा लेते हैं, कितना? पांच और आठ। फिर आगे हमारा बिंदु क्या है? ऋण एक ऋण दो, ऋण एक और ऋण दो। ऋण एक कहाँ जाना है? एक्स अक्ष पे जाना है। ऋण दो कहाँ जाना है? वाई अक्ष पे। दोनों निगेटिव है, अब दोनों निगेटिव नंबर है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में आएगा इस तरफ। कितना है हमारा? ऋण एक और ऋण दो, एक कदम आ गए ऋण एक पर, और एक दो कहाँ आ गए? ऋण दो पे आ गए। ऋण एक और ऋण दो, ये हमारा बिंदु हो गया किसका? ऋण एक और ऋण दो का लिख लेते हैं यहाँ पर। अब हमारा एक लास्ट बचा हुआ है, -4 -7। एक्स पे कितना कदम जाना है? ऋण चार। वाई पे कितना कदम जाना है? ऋण सात जाना है। तो ऋण चार ऋण सात ये भी तृतीय चतुर्थांश में ही होगा। ऋण चार आते हैं यहाँ पे, एक दो तीन चार, देखिए चार पे आ गए। और अभी ऋण सात, एक दो तीन चार पाँच छ सात, यहाँ पे आ गए। ये बिंदु यहाँ पे लगा लीजिए। अब कितना हो गया? ये ऋण चार और ऋण सात। अब इन सभी बिंदुओं को जो हमारी एक रेखा में है, इसको मिला लेते हैं। इस प्रकार से मिलेगा, देखिए आप ड्रॉ करने के टाइम बड़ी वाली स्केल लीजिएगा, मैंने छोटी स्केल का इस्तेमाल किया है। इस प्रकार से आपका ग्राफ बनेगा, देखिए। अब आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि यहां पर दोनों रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। इस बिंदु का निर्देशांक कितना है बच्चों? यहाँ पे देखिए, ऋण एक और ऋण दो। जो ऋण एक और ऋण दो है, वो दोनों ही समीकरणों के लिए ये मान्य है, मतलब दोनों ही समीकरणों की संतुष्टि करता है। तो हमारा निर्देशांक क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदन बिंदु का? जो हमारा हल होगा वो कितना होगा? ऋण एक और ऋण दो। ये इसी प्रकार से आपको हल करना है बच्चों। सबसे पहले आपको समीकरणों में एक्स और वाई के मान रखकर अपने मन से मान ले सकते हैं। यहाँ किताब में आपको कृति में दी गई थी करने के लिए, इसलिए मैंने वो ही वैल्यू लिया है। अब बाकी के सवालों में अपने मन से वैल्यू रख सकते हो। तो ये एक्टिविटी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, और इसी के टेबल के बेस पे हम लोगों ने ये ग्राफ यहाँ पर बनाया है। बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अपने प्रश्न संग्रह 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।